नमस्कार दोस्तों, गदर 2 का गदर हर जगह मचा हुआ है। यही फिल्म हर देशवासी के मन में जोश भरती हुई नजर भी आ रही है। सनी देओल एक बार फिर से अपने जोरदार अंदाज में लोगों के सामने आ गए और फैंस ने एक बार फिर से तारा सिंह को खूब जमकर प्यार भी दिया। लेकिन इस मूवी को देखते समय सिनेमा हॉल में कुछ हिंसात्मक घटनाएं होते हुए भी देखा गया। बिहार के पटना में एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में जो ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 की स्क्रीनिंग कर रहा है, वहाँ आज कुछ अप्रिय घटनाएं देखी गई। और वो घटना ऐसी थी कि वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा सिनेमा हॉल के बाहर 2 कदम तीव्रता वाले बम फेंकने की खबर भी सामने आई, जिनमें से एक फट भी गया। कथित तौर पर हंगामा करने और बम फेंकने वालों को 2 संगतियों के गिरफ्तार कर लिया है। सिनेमा हॉल के मालिक सुमन सिन्हा ने घटना की पुष्टि की और बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया और दावा किया समस्याएं कुछ ऐसे लोगों द्वारा पैदा की गई जो गदर 2 के टिकटों की कालाबाजारी करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसा होता रहता है, वे चाहते थे कि हम उन्हें फिल्म की टिकटों की कालाबाजारी करने दें, जो हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हर टिकट जनता को मिले। सिनेमा हॉल का स्टाफ कभी कमज़ोर नहीं होता, उनमें गलत काम करने वालों को रोकने का मनोबल है। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है, उन्होंने कोशिश, लेकिन उन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया और कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले गदर 2 को देखने आए कुछ लोगों में लड़ाई होने की भी खबर सामने आई थी। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया और फिर एक बार एक कपल से एक शख्स भिड़ गया था। इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह गदर 2 को देखकर लोगों के मन में भी जोश पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी होंगी तो आपको कैसी लगी ये फिल्म, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की फिल्मी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।